नमस्कार दोस्तों, अजल स्पीज में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बादाम की मिठाई। हम बताएंगे बादाम से किस तरीके से एक हेल्थी टेस्टी बादाम की बर्फी आप बना सकते हैं। त्यौहार का सीजन है, बाजार की मिठाई की बजाय यदि आप बादाम की बर्फी घर पे ही बनाएंगे तो कहने ही क्या। आइए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से एक बादाम की हेल्थी बर्फी आप बना सकते हैं घर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अजय शर्मा, अजल स्पीज में आपका स्वागत है। बादाम की बर्फी है तो बादाम लेंगे हम यहाँ पे मैंने 250 ग्राम बादाम लिए। नॉर्मल बादाम है, जैसी आपको बाजार में मिलती है वैसी बादाम आप ले लें और इसको 3 से 4 घंटे के लिए पानी में भिगो देंगे। आप नॉर्मल आप सिंपल पानी में भिगो दें या ऑल नाइट पानी में भी आप भिगो सकते हैं इसको। यहाँ पे हम 2 से 3 घंटे तक बादाम को भिगो लिया है। अब हम इसके छिलके उतारेंगे। छिलके उतारने के लिए हम गर्म पानी ले लेंगे। यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है एक भगोने में और इसमें सारी बादाम हम इसमें डाल देंगे। 1 से 2 मिनट के लिए हम इसको उबालेंगे बादाम को, ताकि ये आसानी से छिलका उतर सके। इस तरीके से हम इसको उबाल करके और फिर ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद में हम इसके छिलके उतारेंगे। जब आपकी उबली हुई बादाम होती है तो जब आप उसको छीलेंगे तो बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। जैसे ही आप एक बादाम लेते हैं उसको प्रेशराइज करते हैं तो ये इसका छिलका इस तरीके से उतर जाएगा। आप उबली हुई बादाम का छिलका बड़ी आसानी से उतार एक एक करके इस तरीके से सारी बादाम के छिलके आप उतार लेंगे। बादाम लेंगे और जैसे ही आप प्रेस करेंगे हाथ से वैसे ही ये छिलके उतर जाएंगे। इस तरीके से सारे बादाम के हमने छिलके उतार लिए। इस तरीके ये छिलके अलग कर लेंगे। छिलकों को आप सुखा करके पाउडर फॉर्म में बना सकते हैं या किसी गमले में खाद के रूप में डाल सकते हैं। और ये बादाम आपके काम का है, इसको आप किसी मिक्सर जार में डाल करके इसका एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। मिक्सर जार में डाल करके आप इसका पेस्ट बना लें। पानी यहाँ पे हमने ये बादाम का पेस्ट बना लिया। इस तरह से महीन पेस्ट बनाना है। पानी का मैंने इसमें 1/2 कप इस्तेमाल किया है। डालने के लिए ले लूँगा मैं 1 कप चीनी। यदि आपके पास पाउडर हो तो आप पाउडर भी ले सकते हैं चीनी का। यहाँ पे मैंने नॉर्मल जो घर में चीनी अवेलेबल होती है वही ली है। यहाँ पे हम ले लेंगे एक कढ़ाई। इसमें मैं डाल दूंगा 1/2 कप पानी। पानी आपको बहुत ज़्यादा नहीं डालना और जब पानी आपका गर्म होने आपका गर्म हो तो ये चीनी आप डाल दें और इसका एक तार की चाशनी आपको बनानी है। चीनी उबल जाएगी। जब चीनी उबल जाए, एक तार की चाशनी बन जाए, तब हम इसमें बादाम का मिक्सचर डालेंगे। यहाँ पे देखिए चाशनी उबल गई है, बन गई है। एक तार की चाशनी ये बनने लग गई है। यहाँ पे इस स्टेज पे हम डाल देंगे हमारा बादाम का जो मिक्सचर था वो मैं इसमें सारा डाल दूंगा और इसको आपको उबाल लेना है, पकाना है इसमें, ताकि ये ढंग से पक सके। उसके बाद में आप इसको मिक्सचर को मिक्स कर लें और मिश्रण मिक्स करके इसको पका लेंगे ताकि ये ढंग से पक सके। जब तक पकाना है, जब तक ये कढ़ाई ना छोड़ने लग जाए, इसका कच्चापन दूर हो जाए और इसमें मिठास आ जाए, इस स्टेज पर आपको इसको पका लेना है। यहाँ पर आप देखें इसमें थोड़ा पानी है क्योंकि हमने जब पीसा था तब पानी था इसमें और जब हमने चाशनी बनाई उसमें भी थोड़ा सा पानी है, तो इसको पानी को आपको वेपोराइज होने देना है, पकने देना है इसको। अब यहाँ पे इस स्टेज पे हम इसमें 1 चम्मच घी मिला लेंगे। घी से बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है और चिकनाहट भी आ जाती है, इसलिए मैंने इसमें 1 चम्मच घी का उपयोग किया है। आप घी डाल दें, घी डाल करके इसको मिक्स कर लें और इसको पकने देंगे ताकि ये ढंग से पक सके। देखिए पकते पकते इसमें पूरा पानी सूख गया है, चाशनी भी पूरी सूख गई है और ये कढ़ाई के बिल्कुल चिपकने लग गई। लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा सॉफ्ट है, इसको और हम पकाएंगे और 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे ताकि ये ढंग से पक सके। बिल्कुल कढ़ाई पूरी तरह से छोड़ने लग जाए तब हम इसको गैस को बंद करेंगे। यहाँ पर मैं केवड़े की कुछ बूंदे डाल दूंगा। केवड़ा एसेंस है, ये आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगा या आप नॉर्मल किसी भी शॉप पे ले सकते हैं। इससे 8 से 10 इसकी बूंदे डाल देंगे तो इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। इस तरीके से डाल करके आप इसको मिक्स कर लें और अभी इसको और पकने दें ताकि इसमें अच्छा सा फ्रेग्रेंस आ सके। अब आप इस डो की कंसिस्टेंसी देख लें, क्लियर कट ये कढ़ाई छोड़ने लग गया, इसका मतलब ये पक कर के तैयार हो गया। इसमें किसी तरह का पानी नहीं है, चाशनी नहीं है, किसी तरह के कोई लम्स भी नहीं है। इस तरीके से ये आपका बन करके तैयार हो गया। अब आप इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए इसको ठंडा करेंगे आप और इसको छोड़ देंगे। अन्य थाली में हम इसको इस तरीके से फैला लेंगे ताकि ये ठंडा हो सके। उसके बाद में हम इसका एक डो तैयार कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको मनचाहे आकार में काट लेंगे।
यहाँ पे हम ये जो हमारा डो था उसको किसी पन्नी पे ले लेंगे, साथ ही हम ले लेंगे इस तरीके से कोई पन्नी ले लें या आप फॉइल पेपर ले लें, उसके ऊपर इस तरीके से आप प्रेस कर लें और इसको बेलन की सहायता से आप प्रेस कर सकते हैं या हाथ से प्रेस कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा प्रेस कर लेंगे, इस तरीके से आप इसको बेल लेंगे। बेल करके इस पर चांदी का वर्क लगा दें या और अन्य कोई वर्क लगा करके आप इसको सजा सकते हैं। इस तरीके से हम इस पर चांदी का वर्क लगा देंगे और मनचाहे आकार में हम इसको काट सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे, लगभग 2 से 3 घंटे बाद आप इसको काट लेंगे। मैंने यहाँ पे इस पर चांदी का वर्क लगाया है। 2 से 3 घंटे बाद में आप इसको काट लेंगे इस तरीके से मनचाहे आकार में। पहले आप इसको काट लें, पहले आप इसके बॉर्डर काट लें ताकि जो एक्स्ट्रा हो वो निकल सके। उसके बाद में आप इसको सीधे सीधे काट लें इस तरीके से, बड़ी आसानी से ये कट जाएगी। इक्वल शेप में आप काटें, इस तरीके से काटने के बाद में आप थोड़ा सा इसको जैसा भी आप शेप देना चाहें शेप अपने हिसाब से दे सकते हैं और इसको अलग अलग कर लेंगे। देखिए इस तरीके से बनकर के तैयार हो गई। इसको हमने यहाँ पे रेड कलर का डॉट दिया है, ये आप यहाँ पे पिस्ता भी लगा सकते हैं या और कुछ लगा सकते हैं। इस तरीके से एक ये बर्फी बनकर के तैयार हो गई जो कि बहुत ही शानदार और मज़ेदार होगी। दिवाली का सीजन है, त्योहारों का दिन है, आप बाजार की मिठाई की बजाय यदि घर की मिठाई ला करके खाना पसंद करते हैं तो इस तरीके से आप ये रेसिपी तैयार कर सकते हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें और अपने कमेंट्स के साथ मुझे बताएं किस तरीके से आपको ये रेसिपी लगी। त्योहारों के सीजन में यदि घर की मिठाई हो तो उसके कहने ही क्या, एक बार आप बादाम की बर्फी को ट्राई करें और देखेंगे कि बाजार से कहीं ज़्यादा सस्ती होगी और हेल्थी होगी, क्योंकि चूंकि आपके हाथ की बनी हुई है। इस तरीके से एक बार ट्राई करके और बताएं मुझे। थैंक्स।